नागपुर बडनेरा मार्ग पर स्थित दहेगांव रेलवे स्टेशन के समीप एक टैंकर रेलवे गेट से टकराने के कारण रेलवे लाइन का मुख्य केबल टूट गया। परिणाम स्वरूप अप व डाउन रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन करीब 3 घंटे तक अवरुद्ध रहा। सुपरफास्ट ट्रेन व मालगाड़ियों को वर्धा पुलगांव बडनेरा समेत अन्य स्टेशन पर ही रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार वर्धा पुलगांव रेलवे मार्ग पर स्थित दहेगांव स्टेशन में नायरा एनर्जी आयल डिपो है, जहां प्रतिदिन पेट्रोल व डीजल भरने के लिए टैंकर बड़ी संख्या में आते हैं। कंपनी में जाने के लिए टैंकरों को रेलवे लाइन के गेट को पार करके गुजरना पड़ता है। ट्रेन आने पर रेलवे गेट बंद किया जाता है। बुधवार की दोपहर 1 बजे के दरमियान ट्रेन ने गुजरने का समय होने के कारण गेट बंद कर दिया गया था। ट्रेन के लिए गेट बंद करने के कारण टैंकरों की कतार लग गई थी। ट्रेन गुजरने के बाद गेटमैन ने गेट खोला, परंतु गेट पूर्ण रूप से नहीं खुल पाया। दरमियान टैंकर चालक विठल मोरे नायरा एनर्जी में जाने के लिए निकला, किंतु गेट का हिस्सा नीचे होने के कारण टैंकर से टकराया, जिससे गेट का हिस्सा टूटकर रेलवे की मेन लाइन से जा टकराया। परिणामवश हाई वोल्टेज लाइन पर केबल टूट गया। रेलवे गेट के पास अन्य टैंकर भी खड़े थे। कंपनी का मुख्य द्वार गेट को लगाकर होने से रेलवे की मेन केबल टूटने के बाद भागदौड़ मच गई। टैंकरों को तुरंत रोका गया। गेटमैन ने इसकी सूचना तुरंत दहेगांव के स्टेशन मास्टर व वर्धा रेलवे स्टेशन को दी। तत्पश्चात नागपुर DRM कार्यालय को भी अवगत कराया गया। इसके बाद गाड़ियों को वर्धा पुलगांव बडनेरा व अन्य स्टेशन पर रोकने के निर्देश दिए गए।